कश्मीर घाटी में आज 22 अक्टूबर के दिन को काला दिवस के दिन पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कश्मीर में कई जगहों पर आयोजन रखे गए। श्रीनगर के SKICC में एक रैली भी निकाली गई, जो पाकिस्तान विरोध रैली निकाली गई। वहीं इस बीच कश्मीर की अलग अलग सड़कों पर आज कई जगहों पर 22 अक्टूबर के हवाले से काला दिवस की होर्डिंग साफ तौर पर दिख रही है। मौलाना आज़ाद रोड, रेजिडेंसी रोड, गुपकार रोड, लाल चौक, तमाम इलाकों में आज कश्मीर से एक संदेश देने की कोशिश की गई। और साफ तौर पर इन होर्डिंग्स में जिस तरह लिखा हुआ है, भारत ने बचाया था कश्मीर, भारत में महफूज है कश्मीर। यानी जिस तरह 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबालियों ने कश्मीर में रेड की, कश्मीर पर हमला किया, यहाँ पर उस समय जो स्थिति बनी उसके चलते, उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह उनको यहाँ से खदेड़ा, उस दिन को एक तरफ याद किया जा रहा है, दूसरी तरफ उस दिन को काला दिवस के रूप में आज लोगों को याद भी दिलाया जा रहा है। इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं, हु टुक अवर लैंड, हु ब्रोक द एकॉर्ड, पाकिस्तान, 22 अक्टूबर 1947, ब्लैक डे फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह की जो होर्डिंग्स है वो शहर श्रीनगर के कई इलाकों में दिख रही हैं। आज इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 22 अक्टूबर के दिन को जिस तरह एक तरफ से काला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कल देश के गृह मंत्री अमित शाह घाटी आने वाले हैं और उनके स्वागत को लेकर भी शहर श्रीनगर में कई जगहों पर होर्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। वेलकम श्री अमित शाह, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर, आइकॉनिक फेस्टिवल 23 से 29 अक्टूबर 2021। यानी कई कार्यक्रम में अमित शाह का भी यहां पर शमूलियत रहेगा और वो कई बैक टू बैक बैठकें करेंगे। दूसरी तरफ जिस तरह आम नागरिकों की हलाकत और ख़ासतौर पर 11 रियासती मजदूरों पर बैक टू बैक हमले देखे जा रहे हैं, उसके चलते भी सुरक्षा अलर्ट पर है। गृह मंत्री के आने पर भी सुरक्षा अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये गुपकार का रोड है और ये गुपकार पर सुरक्षा कड़ी है, लाल चौक में कड़ी है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सुरक्षा है उसमें मजीद इजाफा लाया गया है, ड्रोन्स को भी सुरक्षा ग्रिड में इंक्लूड किया गया है। तो कई चीज़ें कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही हैं और एक ठोस संदेश 22 अक्टूबर के मौके पर देने जाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर इन होर्डिंग्स से ये संदेश दिया जा रहा है कि 22 अक्टूबर कैन नॉट बी फॉरगॉटन। कैमरा पर्सन सैयद मुर्ज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात वर्ष, गुपकार, श्रीनगर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।